हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। माय नेम इज़ डॉक्टर सूरज भटनागर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल पर आपको बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स की वीडियो मिल जाती है और मैथमेटिक्स से संबंधित जो भी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स के वीडियो भी आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाते हैं। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के लिए ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से असाइनमेंट प्रॉब्लम की। इसकी जो बेसिक जानकारी थी वो हमने अपने पिछले वीडियो में देखी थी। आज हम इस वीडियो के अंदर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम के, कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा हो या उस वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी वो समस्या सॉल्व हो जाए। अगर आज आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो से कुछ सीख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम असाइनमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से हमें यहाँ करना है। जो भी स्टूडेंट आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने मेरा इस टॉपिक का पहला वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर उस वीडियो को देख लें, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके, और इस वीडियो में भी मैं पूरी चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले हमको मैट्रिक्स के अंदर ये चेक करना है कि जो मैट्रिक्स हमको दी हुई है वो एक वर्ग मैट्रिक्स है या नहीं, यानी जितनी पंक्ति है उतने स्तंभ है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चार स्तंभ हैं, ए बी सी और डी, ये मशीनें हैं, और पांच यहाँ पर पंक्तियाँ हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो पांच पंक्तियाँ हैं, ये कार्य है। अब प्रश्न क्या है कि चार मशीनों को पांच कार्य निर्दिष्ट करने को दिए गए हैं जिनकी लागत मैट्रिक्स है, ये न्यूनतम लागत हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो तभी संभव है जब ये मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स हो। तो अगर वर्ग मैट्रिक्स नहीं होगी तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वर्ग मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसके अंदर एक पांचवा स्तंभ लाना पड़ेगा, क्योंकि पांच पंक्तियां हैं तो पांच स्तंभ होने चाहिए, तो पांचवा स्तंभ हमको यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि पंक्तियों की संख्या कम है तो एक नई पंक्ति वहां पर हमको बनानी पड़ेगी। तो वो नई पंक्ति या नया स्तंभ हम कैसे लेंगे, शून्य अवयवों वाला एक स्तंभ ले लेंगे अगर स्तंभ की आवश्यकता है तो, और नहीं तो अगर पंक्ति की आवश्यकता है तो पंक्ति ले लेंगे। तो यहां पर हम एक शून्य अवयवों वाला पांचवा स्तंभ यहां पर बना लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वहां ऊपर जो हमको प्रश्न में जो मैट्रिक्स दे रखी है 4x5x4 की मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है वो 5x4 का है, जबकि वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या करा है कि एक पांचवा स्तंभ ऐड कर दिया, उसके अवयवों को हमने यहाँ 0 0 ले लिया, अब ये 5x5 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए तभी हम अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये वर्ग मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले पंक्ति समानयन करना है। पंक्ति समानयन का मतलब स्टूडेंट्स, प्रत्येक पंक्ति के न्यूनतम अवयव को उसी पंक्ति में से घटाने पर प्राप्त होती है, नई सारणी प्राप्त होती है पंक्ति समानयन करने पर। जैसे इस पंक्ति के अंदर, पहली पंक्ति के अंदर न्यूनतम अवयव 0 है, तो 0 को प्रत्येक अवयव में से घटाएंगे तो यहाँ तो यही अवयव आएंगे। मान लीजिए 0 की जगह पर कुछ और होता, जैसे 1 होता न्यूनतम अवयव, तो 1 को हम इन सभी अवयवों में से घटा करके नई जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसके अंदर वो पहली पंक्ति बन जाती। दूसरी पंक्ति के न्यूनतम अवयव को उसी पंक्ति के सभी अवयवों में से घटाएंगे तो वो नई पंक्ति बन जाएगी। अब यहाँ पर हमको दूसरी सारणी पंक्ति समानयन की बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति का न्यूनतम अवयव 0 है,
इसलिए पंक्ति समानयन करने पर जो नई सारणी बनेगी वो यही बनेगी, क्योंकि जीरो घटाने पर तो यही अवयव आने वाले हैं, तो वापस से यही सारणी बनेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे ही स्तंभ समानयन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्रत्येक स्तंभ के न्यूनतम अवयव को उस स्तंभ में से, प्रत्येक अवयव में से घटाएंगे। देखिए प्रत्येक पंक्ति में न्यूनतम अवयव शून्य है, तो प्रत्येक पंक्ति का जो न्यूनतम अवयव है वो शून्य है, इसलिए पंक्ति समानयन करने पर, पंक्ति समानयन करने पर समान मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ गई सबके, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति के न्यूनतम अवयव को उसी पंक्ति में से घटाना है, तो जीरो जीरो को घटाएंगे तो यही अवयव आएंगे, इसलिए अब हम यहां पर सीधे ही स्तंभ समानयन करेंगे। स्तंभ समानयन करने पर, तो स्तंभ समानयन अब हम यहां पर करते हैं, तो यही सारणी को हमें दोबारा बनाना पड़ेगा और प्रत्येक स्तंभ के न्यूनतम अवयव को हमें उसमें से घटा करके लिखना पड़ेगा। देखिए तो यहां पर हम एक सारणी बनाते हैं दोबारा से, बिल्कुल आसान प्रश्न आते हैं डियर स्टूडेंट्स इस प्रश्नावली से, और करना बिल्कुल आसान है, आप पूरा वीडियो देखिए एंड तक, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए ये सारणी हमने दोबारा से बना ली है, यहां पर हो जाएगा ए बी सी डी और ई, ये पांच स्तंभ हो गए, इधर पांच, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। तो ये हमने पांच पंक्ति और पांच स्तंभ बना लिए, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, पहली पंक्ति के अंदर, पहले स्तंभ के अंदर न्यूनतम संख्या कौन सी है, तो यहां पर पहले स्तंभ के अंदर जो न्यूनतम अवयव है वो हमको यहां पर दो दिख रहा है, तो दो दिख रहा है, तो दो को हमें इस प्रत्येक अवयव में से माइनस करना है, नौ में से दो को माइनस किया सात हो जाएगा, सिक्स में से करेंगे टू रह जाएगा, फोर रह जाएगा, फाइव में से टू को माइनस करेंगे थ्री हो जाएगा, फोर में से करेंगे टू रह जाएगा और यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो पहले स्तंभ के अंदर जो संख्याएं आनी है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, सात चार तीन दो जीरो, सात चार तीन दो जीरो, तो वो हमको यहाँ पर लिख लेनी है, सात चार तीन दो और जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी के बाद सेकंड वाले स्तंभ के अंदर न्यूनतम संख्या हमको दो नजर आ रही, दो को इन सभी संख्याओं में से हम घटाएंगे इसी स्तंभ की, तो हमारे पास इस स्तंभ में क्या रह जाएगा, पांच चार एक जीरो छः, ठीक है, पांच चार एक जीरो छः, पांच चार एक जीरो छः। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक स्तंभ के न्यूनतम अवयव को उसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव में से घटाने पर हमारे पास ये एक नई सारणी आ गई। तो ये सारणी कौन सी है, पंक्ति स्तंभ समानयन, क्योंकि पंक्ति समानयन भी करते हैं लेकिन पंक्ति के अंदर समानयन करने पर हमको वही पंक्तियां वापस से रिपीट हो रही थी, क्योंकि पूरे स्तंभ के अंदर जीरो जीरो है, तो इसलिए हमने वो नहीं करी, डायरेक्ट यहां पर स्तंभ समानयन किया है। स्तंभ समानयन करने के बाद हमको शून्यों का निर्दिष्टीकरण करना होता है, और शून्यों का निर्दिष्टीकरण का मतलब ये होता है कि प्रत्येक पंक्ति में से हमको एक स्तंभ का चयन, एक शून्य का चयन करना है, किसी एक पंक्ति में एक ही हमको जीरो लेना है, और उस जीरो के सामने और स्तंभ और पंक्ति के अंदर जो भी जीरो होंगे उसके अलावा वो कट जाते हैं। जैसे पहली पंक्ति के अंदर दो जीरो है,
तो अभी हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सी लें। तो पहले जिन पंक्तियों के अंदर केवल एक जीरो है उसको हम यहां पर ले सकते हैं, जैसे सेकंड वाली पंक्ति के अंदर एक जीरो है, तो मान लीजिए हमने ये वाली जीरो ले ली, ठीक है, ये वाली जीरो ले ली, तो इस जीरो को लेने का मतलब है कि इसके सामने वाला जो स्तंभ है उसकी सारी जीरो कट जाएंगी, ये हो गया। तो जो भी जीरो ली हमने उसके सामने वाला जो स्तंभ होता है उसकी सारी जीरो उससे कट जाएगी, तो ये जीरो यहां से कट गई। अब इसके बाद पहली वाली जो पंक्ति है अब उसमें एक ही जीरो रह गई, क्योंकि पहले दो थी लेकिन एक कट गई, तो अब यहां पर एक ही जीरो रह गई, तो यहां पर हम इसको ले लेंगे। जैसे मान लिया हमने ये जीरो ले ली, ठीक है, दो पंक्तियां हो गई, तीसरी पंक्ति के अंदर कोई जीरो नहीं है, दिख रहा है सभी स्टूडेंट्स को, तीसरी पंक्ति के अंदर अब कोई जीरो नहीं है क्योंकि एक जीरो थी जो कट चुकी है, तो इसका मतलब अब कोई जीरो नहीं है। तो कोई जीरो नहीं होने का मतलब यह है कि इस पंक्ति में शून्यों का निर्दिष्टीकरण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब इस पंक्ति के अंदर शून्य का निर्दिष्टीकरण नहीं हो सकता है तो अभी हमको इस सवाल को अभी और आगे प्रोसेस में लाना पड़ेगा, तो उसका आगे का प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। देखिए यहां पर हम दोबारा से जीरो जीरो लिख देते हैं। अब इसी पंक्ति के अंदर हमको क्या करना है, जब शून्यों का निर्दिष्टीकरण नहीं हो तो इन सारी जीरो को न्यूनतम रेखाओं के द्वारा हमें ढकना है, यानी ये जितनी भी जीरो है पूरी सारणी के अंदर मैट्रिक्स के अंदर ये ढक जाए एक्स अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा इनको ढकना है। तो ज्यादा से ज्यादा तीन या चार हम रेखाएं ले सकते हैं जिनसे हमको इसको ढकना है। तो हम यहां पर मान लीजिए ये रेखा खींचते हैं, पहले जैसे मान लीजिए हमने ये रेखा खींची, ये रेखा हमने यहां पर एक खींच ली, तो ये एक रेखा हो गई, इसके अंदर अधिकतर जीरो ढक गई। तो ऐसी रेखाएं खींचनी है जिनसे जीरो ढक जाए, तो मान लीजिए ये पहली रेखा हो गई L1, इसके अलावा हमको कोई ऐसी रेखा खींचनी है जिसके अंदर भी जीरो ढक जाए, तो ये पांचवी पंक्ति है इसके अंदर दो जीरो और आ रही है, तो यहां पर हम क्षैतिज रेखा खींच करके इनको ढक लेते हैं। जैसे हमने ये ढक लिया, देखिए एक रेखा हमने यहां पर ये खींच दी, ये हो गई, ठीक है, ये L2 रेखा हो गई। अब इसके अलावा भी अभी और जीरो बाकी है, एक डी वाले स्तंभ में है और एक ये बी वाले स्तंभ में, और ये एक एक जीरो है, तो इनको ढकने के लिए हमको एक एक रेखा और खींचनी पड़ेगी। तो अब वो रेखाएं हम चाहे क्षैतिज खींचे या ऊर्ध्वाधर खींचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो कैसे भी खींच सकते हैं हम। जैसे मान लो इस वाली जीरो को ढकने के लिए हमने ये एक क्षैतिज रेखा खींच ली, तो यहां पर हमने ये एक क्षैतिज रेखा खींच ली, ये एल थ्री हो गया। ऊपर वाली के लिए भी ऐसे ही हम एक क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं, आप चाहो तो ऊर्ध्वाधर भी खींच सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये L4 हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा चार रेखाओं को खींच करके सारी जीरो को ढक लेना है, ठीक है। तो रेखाएं क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने ये सारी जीरो को यहां पर ढक लिया। अब इसके बाद का क्या होता है नियम, इसके बाद ये है कि जो बिना ढके हुए अवयव है उनमें से न्यूनतम अवयव को देखते हैं क्या है, बिना ढके हुए अवयवों में से न्यूनतम अवयव। तो बिना ढके हुए अवयव हमको यही दिख रहे हैं सेकंड और थर्ड रो के अंदर, ये बिना ढके हुए अवयव है, इसमें न्यूनतम अवयव है एक। अब इस एक का क्या करना है, इस एक को बिना ढके हुए अवयवों में से तो घटाना है, ठीक है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, बिना ढके हुए अवयवों में से उस न्यूनतम अवयव को घटाना है, और जो यहां पर ये क्रॉस पॉइंट पर आ रहे हैं दो रेखाओं के क्रॉस पॉइंट पर उन अवयवों में जोड़ना है, जो क्रॉस पॉइंट पर है अवयव उनमें तो जोड़ना है, और जो बिना ढके हुए अवयव है उनमें से घटाना है, और जो केवल एक सिंगल लाइन के नीचे आ रहे हैं चाहे वो खड़ी लाइन हो या आड़ी लाइन हो उनके नीचे आ रहे हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। बिना ढके हुए अवयवों में से न्यूनतम अवयव को लेंगे, कौन सा है,
उसको बिना ढके हुए अवयवों में से घटाएंगे, क्रॉस पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु के ऊपर जो अवयव आ रहा है उसमें जोड़ेंगे, और जो केवल एक रेखा के नीचे आ रहे हैं उनको वैसा का वैसा ही लिख करके नई सारणी बनाएंगे, और वहां पर फिर से शून्यों का निर्दिष्टीकरण करके देखेंगे होता है या नहीं होता है। देखिए, तो एक और सारणी हम यहां पर बनाते हैं। देखिए, एक सारणी और हम यहां पर बना लेते हैं। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, पहली पंक्ति को देखते हैं हम यहां पर। पहले देखिए, बिना ढके हुए अवयवों में न्यूनतम अवयव कौन है? न्यूनतम अवयव एक है, ठीक है। तो अब इस न्यूनतम अवयव को जो केवल एक सिंगल लाइन के नीचे अवयव आ रहे हैं उनको तो वैसा का वैसा ही लिखना है, और जो प्रतिच्छेद बिंदु पर आ रहे हैं उसमें जोड़ देना है। तो जैसे ये सात, पहली पंक्ति के अंदर 7 5 3 0, ये केवल लाइन के नीचे हैं, जबकि ये लास्ट वाला जो जीरो है ये प्रतिच्छेद बिंदु पर आ रहा है, तो इसमें जोड़ना है और बाकी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये पहली पंक्ति बन जाएगी यहाँ पर 7 5 3 0, और इसमें वो न्यूनतम अवयव जो एक है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये यहां पर एक हो गया, ठीक है। अब सेकंड पंक्ति के अंदर क्या होगा? सेकंड पंक्ति के अंदर जो बिना ढके हुए अवयव है उनमें से घटाना है उसको, तो एक को इन सब में से घटा देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 3 3 3 और 3, और ये वाला जो जीरो है लास्ट वाला, ये केवल नीचे आ रहा है लाइन के, ये ऐसा कैसे रह जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड रो के ऊपर। देखिए, तो तीसरी पंक्ति के अंदर बिना ढके हुए अवयव है सारे, तो इनमें से घटाना है इसको हमें, तो ये 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, और ये एक एक है यहां पर, तो ये 0 0 हो जाएंगे। इस जगह पर 2 में से 1 घटाया तो 1 आ गया, और ये 0 ऐसा कैसे रह जाएगा, क्योंकि एक सिंगल लाइन के नीचे आ रहा है। उसके बाद चौथी जो पंक्ति है उसके अंदर लाइन के नीचे आ रहे हैं ये अभी, अब 2 0 2 7, ये सब एक सिंगल लाइन के नीचे आ रहे हैं, ये ऐसा कैसे आ जाएंगे, 2 0 2 और 7। यहां पर अंतिम वाला जो जीरो है वो प्रतिच्छेद बिंदु पर आ रहा है, तो इसमें वो न्यूनतम अभी अब जुड़ जाएगा, 0 में 1 जुड़ा 1 हो गया। फिर पांचवी पंक्ति के अंदर भी ये एक सिंगल लाइन के नीचे आ रहे हैं, तो ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, 0 6 0 7, और ये प्रतिच्छेद बिंदु पर आ रहा है, तो यहां पर वो अवयव जुड़ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहां पर हम लिख सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर फिर से शून्यों का निर्दिष्टीकरण करके देखेंगे हम, अगर हो जाता है शून्यों का निर्दिष्टीकरण तो इसी के अंदर हम कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको यहां पर वो पंक्ति छांटनी है जिसमें 1 0 है, तो पहली पंक्ति के अंदर 1 0 है चौथे स्तंभ में, तो हमने मान लीजिए कि ये 0 ले ली। अब अगर इसके नीचे स्तंभ के अंदर कोई 0 होगी तो वो कट जाएगी, इसलिए अभी यहां पर कोई 0 नहीं है, तो ये ठीक है। सेकंड वाली पंक्ति के अंदर हम आते हैं तो लास्ट में 1 0 है, सिंगल 0 है, इसको हमें लेना है पड़ेगा, तो ये हमने ले लिया, और इसके नीचे फिर जो ये 1 0 बच रहा है ये वाला 0 कट जाएगा, ये 0 कट गया। चलिए आगे आ जाते हैं।
इसके बाद तीसरी पंक्ति के अंदर दो जीरो हैं, तो दो जीरो में से हम कौन सी जीरो लेंगे ये अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। उससे पहले हम चौथी पंक्ति के अंदर एक जीरो है उसको ले लेते हैं। तो चौथी पंक्ति के अंदर अगर एक ही जीरो है तो उसको लेना पड़ेगा। तो चौथी पंक्ति में से जब हमने एक जीरो को ले लिया तो फिर इस पंक्ति के अलावा इस स्तंभ के अंदर जो जीरो होंगी वो कट जाएंगी, तो इसके ऊपर ये वाला जीरो कट जाएगा। और जब ये वाला जीरो कट गया तो फिर आप देखेंगे कि तीसरी पंक्ति के अंदर एक ही जीरो रह गया, तो ये जीरो अब हम ले सकते हैं। तो प्रत्येक पंक्ति के अंदर हमको एक जीरो ले लेना है, तो ये वाला जीरो हम ले सकते हैं, ये हमने ले लिया। इसके बाद जब हमने इस जीरो को लिया तो इसके सामने वाला जो ये स्तंभ है इसमें नीचे एक जीरो है पांचवी पंक्ति के अंदर, वो कट जाएगी। अब ये कट गई तो पांचवी पंक्ति के अंदर एक ही जीरो रह गया पहले स्तंभ के अंदर, तो इसको हम ले लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर ये शून्यों का निर्दिष्टीकरण हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम शून्यों का निर्दिष्टीकरण इसी सारणी में हमने कर लिया। तो देखिए यहां प्राप्त सारणी में या फिर मैट्रिक्स भी हम इसको बोल सकते हैं, में शून्यों का निर्दिष्टीकरण होता है। तो शून्यों का निर्दिष्टीकरण हो गया तो हमें क्या करना है, इन शून्यों को बॉक्स में बंद कर देना है। तो जो जो शून्य हमने लिए उन सबको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, स्क्वायर के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि इष्टतम हल हमको इन्हीं शून्य की जगह पे जो संख्याएं लिखी हुई है उनसे प्राप्त होगा। तो ठीक है, तो जो भी शून्य हमने प्रत्येक पंक्ति के अंदर लिए वो हमने बॉक्स में बंद कर दी। तो अब यहाँ पर शून्यों का निर्दिष्टीकरण हो गया। अब हमको यहाँ पर क्या करना था, प्रश्न के अंदर देखिए जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है, क्या चीज़ हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमको न्यूनतम लागत निकालनी है। तो न्यूनतम लागत निकालने के लिए पहले हम इसी सारणी को एक बार फिर से बनाएंगे और उसके अंदर इष्टतम हल को निकालेंगे। देखिए अतः इष्टतम हल के लिए मैट्रिक्स, तो इष्टतम हल के लिए जो मैट्रिक्स होगी वो हम दोबारा से यहां पर बना लेते हैं। देखिए देखिए ये सारणी बन गई हमारे पास, और जो भी मार्किंग है वो कर लेंगे हम। यहाँ पर ये ए बी सी डी हमें लिखना है, ये ए बी सी डी हो गया, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ हमें क्या करना है, देखिए हमने जो भी जीरो ऊपर लिए केवल उन जीरो की जगह पर अवयव लिखना है हमको, और अवयव भी कौन सा जो हमको प्रश्न के अंदर सारणी दे रखी है उस जगह पर यहाँ पर कौन कौन से अवयव लिखे हुए हैं केवल वो अवयव लिखना है। जैसे पहली पंक्ति का जो जीरो हमने लिया है चौथे नंबर पर, वहाँ पर पहली सारणी में क्या संख्या है, तो वहाँ पर ये संख्या है, जैसे इस वाली सारणी में लेंगे क्योंकि ये तो हमने यहाँ पर इसको संतुलित की थी सारणी को, तो ये चौथे नंबर का जो अवयव है ये हमको लेना है, दो लेना है, ठीक है। इसी तरीके से जो भी जीरो हमने ले रखी है वो सारे अवयव हमको यहाँ पर ले लेने हैं। फिर इसके अंदर से हमको एक ये जीरो लेना है, फिर उसके बाद एक ये चार ले लेना है, दो ले लेना है और ये वाला दो ले लेना है। तो इस जगह पर हमने लास्ट में जीरो लिए हैं जो हमको मेन सारणी के अंदर लिखने हैं, ठीक है। देखिए तो हमको एक संख्या तो इस जगह पर लिखनी है, फिर एक दूसरी पंक्ति में इस जगह पर लिखनी है,
तीसरी पंक्ति के अंदर सी पर आ जाएंगे, हम सी वाले स्तंभ से संख्या लिखनी है हमको। फिर चौथी पंक्ति के अंदर बी वाले स्तंभ की संख्या लिखनी है और पांचवी पंक्ति के अंदर ए वाले स्तंभ की संख्या लिखनी है। इस जगह पर हमारे पास ऊपर जीरो थी तो वो संख्या हमको यहां पर लिखनी है। तो यहां पर हमको दो ले लेना है, यहां पर जीरो है, इस जगह पर चार है, यहां पर दो है और यहां पर दो है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो भी जीरो हमने लिए थी पिछली सारणी के अंदर उनकी जगह पर मूल सारणी में क्या संख्याएं हैं वो संख्या हमने यहां पर ले ली है। ठीक है, तो और ये हमारा इष्टतम हल है। तो यहां से हम न्यूनतम लागत हम निकाल सकते हैं। अतः दी गई समस्या का हल न्यूनतम लागत तो न्यूनतम लागत क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ देना है, दो प्लस जीरो प्लस चार प्लस दो प्लस दो बराबर चार और दो छः और दो आठ और दो दस। अब हम ये समय अगर घंटे में दे रखा है तो घंटे लिख देना है, अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम केवल इकाई लिख करके ही छोड़ सकते हैं। तो यहां पर हमें दिया हुआ है लागत मैट्रिक्स है, न्यूनतम लागत निर्दिष्टीकरण कीजिए। तो यहां पर जो मशीन है और कार्य है उनकी द्वारा कार्य पूरा कराने के लिए जो न्यूनतम लागत है, लागत तो रुपए में आती है तो यहां पर लागत हो जाएगी दस रुपए। न्यूनतम लागत हो जाएगी दस रुपए। तो यहां पर मेन चीज केवल ये आती है कि पंक्ति समानयन और स्तंभ समानयन करने के बाद शून्यों का निर्दिष्टीकरण करना है और प्रत्येक अवयव के अंदर हमको क्या करना है एक शून्य को लेना है। इस तरीके से ले लेना है कि सभी पंक्तियों के अंदर एक एक शून्य आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यहाँ पर न्यूनतम रेखाओं के द्वारा उन शून्यों को ढका जाता है, सारी जीरो को ढक देते हैं न्यूनतम रेखाओं के द्वारा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा। और यहाँ पर जो नियम काम में लेना होता है वो ये होता है कि जो बिना ढके हुए अवयव है उनमें से न्यूनतम अवयव कौन सा है उसको लेकर बिना ढके हुए अवयवों में तो उनको घटा देते हैं और जो प्रतिच्छेद बिंदुओं के नीचे अवयव आ रहे हैं उसमें जोड़ देते हैं और जो केवल एक रेखा के नीचे आ रहे हैं वो अवयव वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो इस तरीके से हम एक नई सारणी बना सकते हैं और उस नई सारणी के अंदर फिर प्रत्येक पंक्ति के अंदर एक जीरो को लेकर के शून्यों का निर्दिष्टीकरण करते हैं। अगर वहां पर शून्यों का निर्दिष्टीकरण हो जाता है जैसे यहां पर हो गया तो यही इष्टतम हल हो गया, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर से जो पिछली सारणी में हमने किया है न्यूनतम रेखाओं के द्वारा पहले सारी जीरो को ढकना है उसके बाद फिर वही न्यूनतम अवयवों को जोड़ना घटाना है, उसके बाद जो नई सारणी आएगी उसके अंदर शून्यों का निर्दिष्टीकरण करके देखना है। तो दो बार ज्यादा से ज्यादा दो बार रेखाओं को ढकना होता है किसी सवाल में, ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता है, किसी में एक ही बार में हो जाता है, किसी में दो बार ढकना होता है। जैसे सवाल में एक ही बार रेखा हमने ढकी और शून्यों का निर्दिष्टीकरण हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट आज इस वीडियो को मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है और उसे कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे ताकि और भी स्टूडेंट्स उसको देख करके इस वीडियो को देख करके कुछ सीख सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।